होली का पर्व जल्द ही आने वाला है, ऐसे में लोग होली के त्योहार को मनाने की तैयारियों में जोर शोर से जुटे हुए हैं। हालांकि होली में यूज होने वाले केमिकल रंगों को लेकर लोगों को लगातार अवेयर किया जा रहा है। डॉक्टरों की यही कोशिश है कि लोग नेचुरल रंगों से होली खेलें, केमिकल रंगों का यूज कम से कम करें। हालांकि काफी संख्या में लोग आज भी केमिकल रंगों से होली खेलना पसंद करते हैं। आपको ये समझना जरूरी है कि केमिकल रंग स्किन, आंख और बॉडी के दूसरे ऑर्गन की सेहत तक बिगाड़ सकते हैं। ऐसे लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। अस्थमा है तो संभल कर रहें, केमिकल रंगों का यूज करने से पहले से ही अस्थमेटिक लोगों की तबीयत बिगड़ सकती है। कई तरह के केमिकल ऐसे होते हैं जो कि सांस नली में पहुंचकर इन्फेक्शन बढ़ा सकते हैं, इससे अस्थमेटिक अटैक पड़ सकता है। अगर किसी व्यक्ति को छाती में जकड़न, सांस फूलना, घरघराहट, खांसी और कम ऑक्सीजन का लेवल कम होने जैसे सिम्टम दिख रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। वहीं जो लोग अस्थमेटिक हैं, उन्हें अपने पास इनहेलर जरूर रखना चाहिए। फंगल इन्फेक्शन परेशान कर सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। केमिकल रंगों से ये परेशानी और भी बढ़ सकती है। इससे स्किन में खुजली, रेड रैशेज, जलन होना जैसे सिम्टम दिख सकते हैं। रंगों से दाद की समस्या भी बढ़ सकती है। दाद एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर किसी को दाद की समस्या है तो उसे होली खेलने से परहेज करना चाहिए। दाद हर्पिस जोस्टर के चलते होता है। डॉक्टरों का कहना है कि होली खेलने में दाद छिल जाते हैं। इससे जहां दाद ज्यादा तेजी से बढ़ सकते हैं, वही समस्या और भी गंभीर हो सकती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और इसी तरह की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हेल्थ लाइफ के साथ।